हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ सोहा आलू की भाजी। इनमें जो इंग्रेडिएंट्स लगने वाली हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 6 से 7 छोटे से छोटी आलू है जो इसको मैं कट करके रखी हुई हूँ। थोड़ा सा धनिया पत्ती है, सोहा पत्ता है, 1 टमाटर है, थोड़ा सा 6 मटर के दाने हैं, 1 छोटा प्याज है, 6 से 7 हरी मिर्च है जितना तीखा आपको पसंद हो, 1/2 टी स्पून गोलकी पाउडर है, काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर है, नमक 1 चम्मच। यहाँ मैं तेल डाली हुई हूँ 2 बड़े चम्मच, एक और मैं ऐड करूँगी। ये 3 बड़े चम्मच मैं तेल डाली, इसके अंदर मैं ये प्याज डाल दूँगी। अब इसे हमें थोड़ा सा अच्छे से चला लेना है, तो हो जाएगा डाल के बस हमें तो प्याज इतने ही ब्राउन चाहिए। उसके बाद ये आलू की भाजी सबसे इजी रेसिपी है और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। इसको अच्छे से चलाने के बाद हम लोगों को ढक के 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे ही छोड़ देना है। अब फ्लेम को स्लो कर देना है और इसे अच्छी तरीके से एक बार चला लेनी है। उसके बाद ढक के 7 से 8-10 मिनट के लिए छोड़ देना है। बीच बीच में हम लोगों को चलाते रहना है। अब ढक्कन खोलकर ये मसाले हम लोगों को इसमें मिला लेना है और इसे अच्छे तरीके से चलाकर जो मैं आपको दिखाई थी ज़ीरा गोल मिर्च पाउडर में डाली हूँ उसे डालने के बाद इसे ढक देना है 5 से 7 मिनट के लिए। फ्लेम स्लो ही रखना है। 5 से 7 मिनट 10 मिनट बोले थे ना, 5 से 7 मिनट हो चुका है। अब इसे खोलकर हम लोग को फ्लेम को हाई कर देनी है क्योंकि ऐसे तेज आंच में हम लोगों को फ्राई कर लेना है। इसके बाद में नमक लास्ट में हम लोग उसको नमक डालेंगे इसमें। अब हम लोगों का भाजी देखिए लाल होने पर आ चुका है, थोड़ी देर और हमें इसे लाल कर लेना है। अब मैं मिला देती हूँ, ये ठंडों के दिनों में ये बहुत अच्छी लगती है भाजी नहीं आलू की। अब हम लोगों का ये भाजी तैयार है बनकर। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल कर रख लूँगी, फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। तैयार है सोहा आलू की भाजी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। हाँ, सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।